हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। कुक टुगेदर विद सविता चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपसे मेथी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस अकेली मेथी से मैं आपको 3 रेसिपी बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए रेसिपी देखते हैं। ये देखिए, मेथी को हम लोग पहले इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इसको बीच से इस तरह से चाकू ले करके इसको बीच से इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से। और फिर ये वाला पकड़ के हम लोग ऐसे कर देंगे और फिर इसको पतला पतला काट लेंगे चाकू से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी मेथी काट ली है। अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहली रेसिपी मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल देते हैं और ये 1 कप ज्वार आटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं हम लोग। और 1 कप ये ताज़ी हरी मेथी ली है मैंने, ये भी इसमें डाल दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे हम लोग। करने से के डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये आधा चम्मच लाल मिर्ची लिया है मैंने, ये भी डाल देती हूँ। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, ये भी हम लोग डाल देंगे। मिला लेते हैं। उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो, तेल घी कुछ भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिल गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी करीबन 2 से 3 चम्मच रिफाइन ऑयल। ये देखिए देखिए, अच्छे से ये मिल गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे का डो लगाएंगे। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा मैंने लगा लिया है। ये बिल्कुल नरम डो है। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग 10 मिनट ढक के रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके हम पराठे बना लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग 2 पेड़े काट लेंगे इस तरीके से आटे से, यहाँ से इसको ऐसे गोल करते हुए पेड़ा बना लेंगे हम लोग। ये देखिए, 2 इस तरीके से पेड़े बन गए। और इसको हम लोग सूखे आटे से कोट करके इसकी इस तरीके से लोइयाँ बना लेंगे इस तरीके से। ये 2 लोइयाँ मैंने इस तरीके से बना ली है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों पेड़े यहाँ पर रख लिए हैं। अब इस पर हम लोग हल्का सा तेल लगा लेंगे दोनों पेड़ों पर, और इस तरीके से फैला देंगे तेल को। और ये दोनों आपस में इस तरीके से चिपका के इसकी एक बड़ी सी आटे की लोई तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, रोटी बेल ली है और ये थोड़ा सा मैंने मोटा ही रखा है। इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये डबल है इसलिए। ये देखिए, गैस पे मैंने तवा पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम अपने ये मेथी के पराठे डाल देंगे इस तरीके से, इसको पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पराठे एक तरफ से सिक चुके हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से हम लोग पलट लेंगे, गैस सिम कर देंगे। पराठे के ऊपर हम लोग ये तेल लगा लेंगे। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल और रिफाइन मिक्स किया है। आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ हम इसको फैला के अच्छे से इस तरीके से लगा देंगे। और फिर दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से इसको लगाएंगे। ये देखिए, इसको तेल को अच्छे से लगा के हम लोग इसको अच्छे से सेक लेते हैं गुलाबी चिट्टी आने तक पराठों पे। पीछे वापस पलट देते हैं, इसको पकने देते हैं 2 से 3 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे पराठे भी हम लोग सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। इस तरीके से हम लोग इसको
यहाँ से इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दूसरे पराठे भी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल सेम तरीके से। ये भी पक गया है अच्छे से। इसको और थोड़ा सा गुलाबी कर लेते हैं हम लोग पलट पलट के। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये भी पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग हो जा रहा है। ऐसे हमारा बहुत जल्दी पराठा तैयार हो जाता है, एक की जगह दो तैयार हो जाएगा एक मिनट में। ये देखिए फ्रेंड्स, मेथी की दूसरी रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कप आटा लिया है। ये इस कप के बराबर एक कप आटा है और ये एक कप से कम सूजी है, ये भी इसमें हम लोग डाल देंगे। बन ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है। ये आधा चम्मच अजवाइन लिया है मैंने, इसको भी मसल के हम लोग इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा रगड़ के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, एक कप मैंने हरी मेथी ली है, बिल्कुल ताज़ी है, इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए, ये करीबन चार चम्मच रिफाइन ऑयल होगा, इसमें भी मैं डाल दूँगी। इससे हमारी कचौरियाँ खस्ता बनेंगी, मेथी की कचौरी खस्ता बनेगी। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के, धीरे धीरे पानी डाल के इसका थोड़ा सा लूज डोर तैयार करेंगे, क्योंकि ये सूजी है, सूजी फूलेगी तो हमारा डो टाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसको हल्का सा लूज रखेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे का डो लगा दिया है, ये एकदम लूज है इस तरीके से। इसको हम 15 से 20 मिनट ढक के रखेंगे तो सूजी फूल जाएगी और हमारा आटे का डो टाइट हो जाएगा। ये अच्छे से सेट हो चुका है, अब इसकी हम लोग कचौरियाँ बनाएंगे। मेथी की कचौरियाँ तलने के लिए मैंने ये गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इस पे मैंने ज़रूरत के हिसाब से रिफाइंड तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। आइए कचौरियाँ बेल लेते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आटे के डो से छोटे छोटे इस तरीके से गोले बना के तैयार कर लेते हैं। गोले बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गोले तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब इसका हम लोग पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से, फिर कचौड़ियाँ बेल लेते हैं। मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं, अब इसका हम लोग कचौड़ी बेल लेते हैं। कचौड़ी हम थोड़ी सी मोटी रखेंगे, आप चाहे तो पतली भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मोटी रखूंगी। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से सारी कचौड़ियाँ हम लोग बेल के तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, ये बच्चों के टिफ़िन में सफ़र के लिए बहुत अच्छी रहती है, सफ़र के लिए बहुत अच्छी रहती है ये कचौड़ियाँ। ये दो से तीन दिन आराम से चली जाती हैं, ख़राब नहीं होती। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाँच कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर ली है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल मेरा अच्छा गर्म हो चुका है, तेल से हीट आ रही है, इसमें हम लोग कचौड़ियाँ अपनी डालेंगे। ये देखिए, एक एक करके कचौड़ियाँ हम इसमें डालते जाते हैं और इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाएगी तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ियाँ ऊपर आ गई हैं, ये हल्की सी फूली है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे टर्न कर देंगे। ऐसे ही मैं अपनी सारी पूरियाँ, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल दूंगी करीबन 3 चम्मच। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी बगैर मसालों के बनेगी, इसमें हल्दी और किसी प्रकार का कोई भी मसाला मैं उपयोग नहीं करूँगी। तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं। हमने 4 मिर्ची ली है, उसको मैं डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मिर्ची तड़क चुकी है, अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू। ये देखिए,
चार आलू मैंने इस तरह से लंबे लंबे काटे हुए हैं, इसमें भी अब डाल दूंगी मैं। इसको डाल के हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक से दो मिनट मैं अपने आलू को इसी तरीके से भूनूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारा भून चुका है करीबन 2 से 3 मिनट। अब इसमें मैं अपनी कटी हुई मेथियों को डाल दूंगी। ये हरी मेथी मैंने इसमें डाल दिया, इसको सारी मेथियाँ डाल के हम लोग मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम मेथी को अच्छे से मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर इसके बाद 2 मिनट बाद हम इसको वापस से चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी सब्ज़ी को ढक दे रही हूँ 2 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं वापस से। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। ऐसा दो से तीन बार आप लोग ढकिएगा और फिर एक बार मिक्स कर लीजिएगा करीबन 2-2 मिनट के लिए। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी पक जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ। ये देखिए, एक बार और हम अपनी सब्ज़ी को देख लेते हैं। ये देखिए, मेरी सब्ज़ी आलू मेथी की सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। एक मेथी से मैंने 3 रेसिपी तैयार कर ली है। ये है मेथी के पराठे, और ये आलू मेथी की सब्ज़ी, और ये मेथी की कचौरियाँ। ये हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है। ये मैं आपको कचौरियाँ अपनी दिखाती हूँ, ये कितनी करारा है। ये देखिए, इसकी वॉइस आप सुन सकते हैं, ये बहुत ही खस्ता और करारी बनी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के लिए भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए अंदर से ये कितनी अच्छी पक गई हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने 3 रेसिपी तैयार की है। इसको तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगा है मुझे, तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सुनिएगा और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को।